हाँ मित्रों नमस्कार। हारमोनियम के शौकीन लोग देखें, आज एक नया हारमोनियम आया है, लगभग 2.5 सप्ताह का, जो ऐप से शुरू होगा। तो इसको हम कुरियर से आया है, अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग देखिए आप, ये किस तरह से पैक होके कोलकाता से आया हुआ है। बहुत बढ़िया पैकिंग की हुई है, ये आज ही हमें प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। हारमोनियम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, पहले एड्रेस टैग निकाल लेता हूँ मैं। अनबॉक्सिंग किया, ये मेरा एड्रेस लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद इसमें पीछे लिखा है मिनी हारमोनियम 2.5 ऑक्टिव। लो अब इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये छोटी सी मैंने ब्लेड ली हुई है, बहुत अच्छे ढंग से पैक की गई है। हाँ इसकी जो पैकिंग है बहुत मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि कोलकाता से यहाँ आने तक लगभग 1 हफ्ता लगता है। कोलकाता से ये नोएडा गई, नोएडा से रुद्रपुर, रुद्रपुर से रामनगर पहुँची है। पैकिंग में थोड़ा सा मित्रों समय लग रहा है खोलने में। हाँ अनबॉक्सिंग चल रही है, बहुत मजबूत पैकिंग है। ये अनबॉक्स हुआ, देखिए किस तरह से इन्होंने बढ़िया सी पैकिंग करी है। थर्माकोल की लेयर लगाई हुई है, थर्माकोल निकाला ये। थर्माकोल निकालने के बाद ये अंदर फिर से थर्माकोल में पूरी पैक की हुई है। इधर ये इसका बैग निकल गया, बैग से इसका हैंडल मिल गया है हमें। तो अब हैंडल से इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए ज़रा नीचे रखते हैं और ऊपर को खींचते हैं। ज़रा ये हमारी हारमोनियम निकल गई। ये देखिए अंदर, देखिए खाली बॉक्स किस तरह से पैकिंग की गई है। ये हमारी हारमोनियम निकली, अब हम इसको अनबॉक्स करेंगे। ये हमारी हारमोनियम तैयार आ गई है। ये इसमें डाल देते हैं सब, और ये हारमोनियम ऐसे सीधी हो गई मेरे ख्याल से। ये मित्रों लगभग 1000 रुपये का तो इसका बैग ही है, जिसकी एक्स्ट्रा कीमत मैंने दी। इसके साथ नॉर्मल बैग आता था, लेकिन मैंने पैडेड बेस्ट क्वालिटी का बैग मंगवाया है, ताकि इधर उधर ले जाने में सुविधा हो। ये देखिए इसके अंदर फिर से इसकी पैकिंग है, इतनी बढ़िया पैक करके आई हुई है। और ये बैग पकड़ना, ये फिर से जो है पतली पन्नी में पैक है, इसको भी काटना पड़ेगा। ये काटा हमने, ये मित्रों निकली हमारी हारमोनियम। ऐसा लग रहा है जैसे एक छोटा सा ब्रीफकेस हो, ब्रीफकेस की तरह लग रहा है। और इसको उठा के देखता हूँ, बहुत ज़्यादा वजन नहीं है। मेरे पास एक दूसरी हारमोनियम है, स्केल चेंजर, एक कपड़ा देना जरा इसको पोछने के लिए। उठा के इसको देख रहा हूँ, अभी अनबॉक्सिंग नहीं करी है, लगभग
10 किलो के आसपास वजन होना चाहिए। और अब मैंने खोला, खोल के इस पे बटन लगे हुए हैं, ये उतारा, ये देखो अंदर से भी पैक है बिल्कुल। इसको हम एक बच्चे के रूप में देखें तो हारमोनियम का बच्चा भी कह सकते हैं। छोटी हारमोनियम है, बिल्कुल छोटी हारमोनियम है एकदम। तो ये हारमोनियम का बच्चा, देखो अंदर भी जो है बिल्कुल पैकिंग ढकी हुई है, मेरे ख्याल से ढक्कन ढका हुआ है। ये निकाला, ये देखो इसमें जो है रीड, बिल्कुल इटालियन रीड है। अच्छा ये भी पैकिंग है, मैं बहुत जल्दबाजी कर दे रहा हूँ, थोड़ा इसको खींचना। तो हाँ ये निकाल दिया हमने, ये हमारी हारमोनियम है। अब इसकी थोड़ा सा मैं सफाई कर लेता हूँ, सफाई करके ये कोलकाता मॉडल है, ये एक मिनट पहले मैं खोल लेता हूँ, ये खुल गया, कोलकाता मॉडल है, डबल रीड, एक खड़ी कंघी एक पड़ी कंघी, और इधर उधर ले जाने के लिए बहुत सहूलियत वाला। अब ये देखेंगे आप, ये ऐप से शुरू हुई है हारमोनियम, तो ऐप से शुरू माने इसको हम जैसे यहाँ पहला सफ़ेद कहते हैं, तो ये चौथा सफ़ेद कह सकते हैं इसे, तो ये चौथा सफ़ेद से शुरू है और पहला काला इसमें यहाँ बनेगा, यानी कि ये केवल ढाई सप्तक की है। वैसे अमूमन हारमोनियम तीन सप्तक की, सवा तीन सप्तक की या साढ़े तीन सप्तक की होती है। तो अब इसका ये खोलता हूँ मैं झोंकनी, तो ये 7 पर्दे की इसमें झोंकनी है ये। अब मैं बजा के देखता हूँ, जय श्री राम जय गणेशाय नमः। छोटी सी हारमोनियम, और इसमें स्टॉपर भी केवल 2 हैं, एक ये बास का है एक मेल का है, और 3 इसमें ड्रोन हैं मिलाने के लिए। तो ये देखिए हमारी हारमोनियम खुल के तैयार हुई। अब हम इसके ऊपर का ढक्कन ये लगाते हैं, तो ये लगा के हमने ये बजाना शुरू किया। ये सारेगामा कंपनी की हारमोनियम है मित्रों। मैं चाहूँगा जब हम हारमोनियम मंगाते हैं तो अधिकतर हारमोनियम वाले, जब तक आप ऑर्डर देने वाले हैं दे रहे हैं, तो तब तक आपसे बड़े प्यार से बात करते हैं। जब आप ऑर्डर दे चुके होते हैं, पैसा आपका जा चुका होता है, तो थोड़ा सा उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो जो जो चीज़ें आपको आश्वस्त होना है जिन चीज़ों के लिए, वो चीज़ें पहले ही पुख्ता कर लेनी चाहिए। तो हारमोनियम मंगाने से पहले आप अच्छी तरह से जांच परख लें जिस कंपनी से आप मंगा रहे हैं हारमोनियम, वो ऑथेंटिक है, कितने दिन में भेज देंगे और कौन कौन सी चीज़ आपको देंगे, तो कहीं आप बाजा आने के बाद ठगा हुआ अपने को महसूस न करें, तो इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद। एक थैली हारमोनियम के साथ और दिख रही है कागज की, देखते हैं इसके अंदर क्या है। कुछ नट बोल्ट जैसे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ये जो है,
ये इसलिए भेज रखे होंगे कि कभी कोई चीज़ ख़राब हो गई, कम हो गई, और ये कुछ दो छोटी छोटी ब्रास पिन भी दिख रही हैं, तो ये सब इन चीज़ों के लिए इन्होंने भेजी हैं। तो कभी कोई चीज़ हो गई, ख़राब हो गई, टूट गई, तो उसके लिए भी भेजा हुआ है। तो हारमोनियम मैंने बजा के दिखाई अभी, तो मुझे तो जिस मतलब के लिए चाहिए थी या जिसने मुझसे मंगाई है तो अच्छी लग रही है। पहले काले से विशेषकर हम लोग गाते बजाते हैं, तो नीचे हम इधर तक आ सकते हैं, ऊपर भी हम यहाँ पंचम तक, नीचे के पंचम से ऊपर के पंचम तक जा सकते हैं पहले काले को साह मांगते हुए। तो ये हारमोनियम इधर सारे गामा कंपनी की है, लेकिन सभी कंपनियां जो कोलकाता की हैं अच्छी हैं, बढ़िया हैं, बेस्ट हैं, लेकिन जो मैंने बताया उसका ध्यान रखें, जो चीज़ आपको चाहिए जैसा चाहिए वो सब पहले खरीदने वाले से आश्वस्त हो लें, क्लियर कर लें, ठोक बजा के हर चीज़ पूछ लें, तभी जो है ऑर्डर करें, और ऑर्डर करने के लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, जरा सा हारमोनियम की टोन चेक करते हैं, ये सी शार्प पे मिला हुआ है अभी तानपुरा मेरा, तो सही है टोन। पंचम लगाया, बताया गया कि ऑर्डर करने के बाद एक दिन इसको ट्यून करने में लगाया जाता है, तब उसके बाद पैकेजिंग के लिए या कुरियर के लिए भेजा जाता है। फिलहाल जिस प्रकार का बाजा मैंने मंगाया है, जैसा मैं चाह रहा था वैसा मेरे हिसाब से सही आया है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ। आप भी अगर बाजा मंगाना चाहें या फिर छोटा बड़ा स्केल चेंजर नॉर्मल जैसा भी बाजा आप चाहें, अपने आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार, बजट के अनुसार आप ऑर्डर कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।